हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नौशरजा व्लॉग। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। बस फ्रेंड्स, आज जो है शाम में थोड़ा सा बोर हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या खाएं, और यहां पे जो है थोड़ा सा लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो लाइट भी नहीं आ रही थी, तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर हस्बैंड ने जो है ज़बरदस्त जो है वो ऑर्डर कर दिया मेरे लिए कुछ स्नैक्स, तो बस ये आया है। अभी मैंने इसको देखा भी नहीं ठीक से कि क्या था, तो बस देखते हैं क्या है। वाओ फ्रेंड्स, ज़बरदस्त सा जो है यमी सा दिखने वाला जो है हम लोगों के पास वड़ा पाव है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा यमी सा वड़ा पाव। वाकई बहुत टेस्टी था, ज़बरदस्त था, और कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन चटनी भी है, ऑरेंज वाली जो होती है ना, वो जो एक चूरन टाइप का मतलब कुछ मसाला होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत टेस्टी होता है। इसका थोड़ा स्पाइसी होता है, खाने में मज़ा आ जाता है, बस मज़ेदार चटाखेदार होता है। वाह यार, मज़ा आ जाता है। और इसके साथ ये हरी मिर्च जो तल के वो लोग इसमें डाल देते हैं ना, उसका भी टेस्ट गजब का आता है, मतलब बहुत टेस्टी वड़ा पाव था। मज़ा आ गया खा के फ्रेंड, कहते नहीं एकदम से मतलब मुंह में गया तो बस फ्रेश हो गया, मुंह का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हो गया, तो बस यही था। तो बस हस्बैंड कभी कभी जो है मेहरबान हो जाते हैं, तो उन्होंने ऑफिस से ही ऑर्डर कर दिया था, तो बस मैंने यहाँ पर अपना कलेक्ट कर लिया। और उसके साथ जो है ये तंदूरी पनीर सैंडविच था, ये भी फ्रेंड्स। एक तो मुझे इस पार का मैंने बताया था ना, द किचन का बहुत अच्छा सैंडविच होता है, बट लिटरली फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छा सैंडविच था, और बहुत ही अच्छा बड़ा सैंडविच था। और ये देखिए, देखने में भी जो है बहुत ही यमी यमी सा लग रहा है। और बस इसको क्या कहते हैं, सैंडविच ब्रेड में जो है अच्छी खासी बड़ी ब्रेड थी, पता है काफ़ी बड़ा साइज था। और ये देखिए, इसके बीच में जो स्टफिंग जो पूरी फिल करता है ये लोग, ये वो है, इसमें कैप्सिकम दिख रहा है, कैरेट दिख रहा है, प्याज भी दिख रही है, और पनीर के पीसेस भी आपको दिख रहे हो, मटर भी थे इसमें, ग्रीन पीस जो होते हैं ना फ्रेंड्स वो भी थे। मेरे मुंह में पानी आ गया समझ लिए फिर से देखकर। और अच्छी सी मायोनीज भी थी, ठीक है, और क्या कहते हैं सॉस वॉस भी अच्छे से था यहाँ पर, बहुत अच्छा और टेस्टी सा था, मतलब सीरियसली यार बहुत बहुत ही मज़ा आया इसको खाकर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था इसको खाने का तो बहुत ही यमी था। फिर बस यही था कि बस ये दोनों चीज़ें बस मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया, बहुत हैवी हो गया था। और बाकी है कि वीडियो एंजॉय करिए मेरी वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है उसको जल्दी से लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो जल्दी कर लिए, और प्रेस करिए बेल आइकन को फॉर द न्यू वीडियोज़। फ्रेंड्स बस इस सैंडविच के बाद समझ लिए जब शाम में फ्रेंड हस्बैंड ऑफिस से आए ना, तो वो और ज़्यादा मेहरबान हो गए थे, तो डोमिनोज का ये जो सबसे छोटा पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा मैनिया, वो ले आए थे। तो मैं तो बड़ा खुश कि जो है यमी यमी सा पिज़्ज़ा भी खाने को मिलेगा ज़बरदस्त सा। तो बस फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर ये पिज़्ज़ा ओपन होगा तब आपको दिखेगा कि एक्चुअल में जो है मेरे हस्बैंड क्या पिज़्ज़ा लेकर आए थे। पर टेस्टी था लेकिन बहुत वाव वाला नहीं था, बट ठीक है काम चल गया। कभी कभी होता है ना, बाहरी बाहर का इंसान खाता रहता है, तो आज घर में कुछ बनाने ही नहीं पड़ा। तो बस ये जो था ये अनियन और पनीर पिज़्ज़ा था, हल्की हल्की इसमें बस देखिए आपको टॉपिंग दिख रही होगी, पिज़्ज़ा सॉस जो होता है आपका वो आपको इसमें दिख रहा है, थोड़ी बहुत इसमें मायोनीज है, और क्या कहते हैं चीज़ नहीं था, विदाउट चीज़ ही था, ठीक है, लेकिन टेस्टी था। बस इसकी जो क्रस्ट थी ना फ्रेंड, जो ब्रेड की क्रस्ट होती है वो थोड़ी सी हार्ड थी, बट ठीक है, वो इतने प्यार से लाए थे तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा है। बस फिर हम लोगों ने इस पिज़्ज़ा को एंजॉय किया, और उसके बाद फिर अब मैं आपसे ये कहूँगी कि आगे जो है बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आप लोगों को मिलने को देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो को एंजॉय करिए, और शेयर लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कर लिए, और उसके बाद फिर ये कह सकती हूँ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और टेक केयर।